फ्रेंड्स, आई एम राहुल तायल फ्रॉम टूरिज्म एजुकेशन। आज मैं आप सबको फ्रांस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस करीब 7 करोड़ की आबादी वाला यह देश दुनिया के बड़े देशों में प्रसिद्ध है। फ्रांस का मूल्य इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जिन्हें आप नहीं जानते। नंबर 1, फ्रांस का क्षेत्रफल राजस्थान से भी कम है। नंबर 2, अप्रैल फूल की शुरुआत 1564 में फ्रांस में ही हुई थी। नंबर 3, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली निभाई थी, जैसे लीटर, किलोग्राम, मीटर। नंबर 4, फ्रांस में किसी मृत व्यक्ति से भी विवाह कर सकते हैं। नंबर 5, फ्रांस में करीब 4700 किस्म के पनीर बनाए जाते हैं। नंबर 6, फ्रांस के लोग सांपों और घोड़ों का मीट खाते हैं। नंबर 7, फ्रांस दुनिया में सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाला देश है। यहाँ लगभग 7.5 करोड़ टूरिस्ट टूरिज्म के लिए आते हैं। यह संख्या फ्रांस की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। नंबर 8, शादी में सफ़ेद सूट पहनने की शुरुआत 1499 में शुरू की गई थी। नंबर 9, 1964 से पहले कोई भी फ्रेंच महिलाएं अपने पति की आज्ञा के बिना बैंक अकाउंट और पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी। नंबर 10, दुनिया की सबसे पहली वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस 2 फरवरी 1799 को फ्रांस में हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं फास्ट फैक्ट्स की। कंट्री फ्रांस, कैपिटल पेरिस, पॉपुलेशन 7 करोड़, एरिया 5,47,026 स्क्वायर किलोमीटर, रिलीजन रोमन इस्लाम जुडेज्म, लैंग्वेज फ्रेंच, करेंसी यूरो, GMT UTC+1। अब फ्रांस का इंट्रोडक्शन। फ्रांस यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसको 6 देशों की सीमाएं टच करती हैं, जर्मनी, बेल्जियम, लुक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली एंड स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। फ्रांस को यूरोप का एंट्री पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, फेरी टर्मिनल्स एंड फ्रांस रेल टर्मिनल्स हैं। फ्रांस दुनिया का बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन इन फ्रांस। फर्स्ट, आईफिल टावर। पेरिस का प्रतीक आईफिल टावर विश्व के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यह 7वां फ्रांस का सबसे विजिटेड प्लेस है। हर वर्ष यह 6.2 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। 1889 से 1930 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस टावर का डिजाइन गुस्तावे आईफिल के द्वारा बनाया गया था। यह टावर 1887 से 1889 में बनकर पूरा हुआ था। नेक्स्ट अट्रैक्शन, लूवर म्यूजियम। लूवर म्यूजियम विश्व का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है, जो 7,82,910 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह म्यूजियम पेरिस में स्थित है। यह म्यूजियम 1793 में स्थापित हुआ था, जिसमें 537 पेंटिंग हैं। आज इस म्यूजियम में 35,000 पीसीज हैं, जो ऐतिहासिक काल से 21वीं सदी तक के हैं। इस म्यूजियम में लगभग 7.5 मिलियन टूरिस्ट हर वर्ष विजिट करते हैं। इस म्यूजियम में सबसे प्रसिद्ध एग्जिबिट्स मोनालिसा, नेपोलियन थर्ड अपार्टमेंट्स, संताने फेमस हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स 1992 में पेरिस में ओपन किया गया था। 2014 तक यहां पर 275 मिलियन लोगों ने इस पार्क को विजिट किया। यह पेरिस की बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहां पर 57 राइड्स, 62 शॉप्स, 5800 होटल रूम्स और 55,463 एम्प्लॉइज हैं। डिज्नीलैंड पार्क पेरिस सिटी से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पार्क 4800 एकड़ में फैला हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क में से एक है। नेक्स्ट अट्रैक्शन, संत मिकल। यह यूरोप की सबसे अधिक फेमस अट्रैक्शन में से एक है, जो नॉर्मंडी आइलैंड पर स्थित है। यह एक रिलीजियस अट्रैक्शन है। इस आइलैंड को एबे के नाम से भी जाना जाता है, जो रॉक्स के बीच में 1 किलोमीटर व्यास में फैली हुई है।
सेंट मिकल के टॉप सेक्शन पर चर्च एंड मोनेस्ट्री एंड नीचे वाले सेक्शन में स्टोर्स हाउसेस एंड होल्स स्थित हैं। यह अट्रैक्शन हर साल 3 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और यह फ्रांस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट अट्रैक्शन चताउ दे हम्बोर्ड। फ्रांस के मध्य में स्थित यह अनकम्प्लीटेड चताउ जो लोरी वैली में स्थित है, यह फ्रांसीसी वास्तुकला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1519 में शुरू किया गया था और इस आज की फॉर्म में आने में 28 साल लग गए। इस बिल्डिंग में 440 कमरे, 80 सीढ़ियां, 280 रिप्लेसेस हैं जो इसी बिल्डिंग में स्थित हैं। इस चिताऊ में कई प्रकार के टॉवर्स और चिमनीज भी शामिल हैं। इस बिल्डिंग में टूरिस्ट के लिए बहुत सारे स्थान देखने के लिए हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन आर्क दे ट्रिम्फ। आर्क दे ट्रिम्फ पेरिस शहर की सबसे प्रसिद्ध विजयी स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन ने 1806 में अपने योद्धाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से करवाया था और 1836 में इसका उद्घाटन किया गया। सम्राट नेपोलियन के अपहरण के बाद कई बार इस स्मारक को बंद किया गया था। इस स्मारक के निर्माण के लिए प्राचीन शैली का इस्तेमाल किया गया। इस स्मारक की सफ़ेद दीवार पर पहले फ्रेंच रिपब्लिक और नेपोलियन युद्ध के सभी योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन पोंट डू गार्ड ब्रिज। यह एक विशाल प्राचीन रोमन पुल है जो कि रोम सिटी में स्थित है। यह ब्रिज दक्षिण फ्रांस में गार्डन नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। यह ब्रिज 1st सेंचुरी में बनाया गया था। इस ब्रिज के निर्माण में यूना पत्थर, ब्लॉक और कैल्शियम को जमा करके किया गया था। पोंडू गार्ड ब्रिज में 3 स्तरीय आर्क हैं और उसकी ऊंचाई 48.8 मीटर है। नेक्स्ट अट्रैक्शन बेसिलिका कैथोलिक चर्च। पेरिस की प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक रोमन कैथोलिक चर्च। यह चर्च मॉन्टमार्ट पर्वत पर स्थित है जो पेरिस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बेसिलिका यीशु को समर्पित है। इस चर्च को फ्रेंच वास्तुकार पॉल अबेदी के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1875 से 1914 के बीच में हुआ। ट्रेवर्टाइन स्टोन और विशेष प्रकार के चूना पत्थर का निर्माण हॉट स्प्रिंग से किया गया ताकि चर्च हर मौसम में सफ़ेद रहे। ज्यूरिख फ्रांस यूरोप के सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला देश है। यहाँ पेरिस में ही 2 प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रोजी चार्ल्स दे गॉली जो पेरिस में है और दूसरी ओरली एयरपोर्ट्स जो पेरिस के दक्षिणी में स्थित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।